वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी सात संगत जीओ, अज असि तुहाडे सन्मुख करांगे साखी बंदी छोड़ दिवस। प्यारी सात संगत जीओ, सिख धर्म विच दिवाली दा संबंध छेवें पातशाह श्री हरगोबिंद साहिब जी दे नाल संबंधित है। सिख धर्म विच असि दिवाली नूं बंदी छोड़ दिवस दे रूप दे विच मनाउंदे हां, क्योंकि दिवाली वाले दिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी 52 राजियां नूं जहांगीर दी कैद दे विचों छुड़वा के अमृतसर पहुँचे सन। सो इसलिए 52 राजियां नूं जहांगीर की कैद विचों छुड़वाउण दे कारण सारिया सिख संगतां वल्लों गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं बंदी छोड़ पातशाह आख्या जाण लगा अते सिख संगत वल्लों दिवाली वाले दिन इस नूं बंदी छोड़ दिवस के रूप दे विच मनाया जाण लगा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं बादशाह जहांगीर वल्लों ग्वालियर दे किले दे विच क्यों कैद किया गया सी? असल विच सिखी दी हो रही चढ़दी कला तो बुखलाए हुए कुछ कट्टर मुसलमाना ते चंदू वर्गियां दी शह विच आ के जहांगीर ने 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी नूं लाहौर विखे देग विच उबाल के अते तत्ती लोह उत्ते बिठा के शहीद कर दिता। फिर समय दी नजाकत नूं समझदे हुए 6वें पातशाह जी ने 2 किरपाना धारण कीतियां, एक मीरी ते दूजी पीरी दी। सो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जुल्म दा टाकरा करन दा फैसला कर लिया ते कहा कि जेकर जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है। जो सो गुरु साहिब जी ने मुगल बादशाह वल्लों किए जा रहे जुल्मां दा डट के मुकाबला करने लई सिखां नूं तैयार करना शुरू कर दिता। गुरु साहिब जी दी चढ़दी कला कट्टड़ मुसलमाना कोलों जरी ना गई ते उन्हां जहांगीर दे कन्न भरे कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी कलगी लगाउंदे हन, तख्त उत्ते विराजमान हो के सिखां ते धार्मिक ते राजसी फैसले करदे हन, नगारे दे चोट मारदे हन अते फौजां रखियां होईयां हन, उह तुहाडे राज लई खतरा हो सकदे हन। चुकणा विच आ के जहांगीर ने गुरु साहिब जी नूं दिल्ली आ के दर्शन लई बेनती भेजी। गुरु साहिब जी जहांगीर दी नीयत बारे सारा कुछ जानदे होए भी दिल्ली पहुँच गए, क्योंकि उन्हां नूं ज्ञात सी कि अकाल पुरख के हुक्म विच किस तरह उन्होंने ग्वालियर के किले की कैद कट्टी है और किवें उत्थे कैद बेकसूर पहाड़ी राजियां नूं रिहा करवाना है। बादशाह जहांगीर बहाना बना के गुरु साहिब जी नूं आखन लगा कि ग्वालियर के किले विच काफ़ी राजे कैद हैं, तुसीं जा के उन्हां नूं अपना सच धर्म का उपदेश दिओ। गुरु जी जहांगीर की सारी चाल नूं जानदे होए भी ग्वालियर के किले विच जाण लई चल पे तां कि एक थां उत्थे कैद बेकसूर पहाड़ी राजियां नूं सच धर्म का उपदेश दिता जा सके ते दूजा उन्हां नूं रिहा करवाया जा सके। गुरु साहिब जी 2 साल ग्वालियर के किले विच कैद रहे। इस समय दौरान सिख संगतां गुरु साहिब जी के दर्शन ना होने कारण बड़ियां व्याकुल हो गईयां अते बेअंत संगतां ग्वालियर जाण लग पईयां। संगतां हरजस गायन करदियां होईयां उत्थे पहुंचदियां अते ग्वालियर के किले की परिक्रमा करके अते मत्था टेक के वापस आ जांदियां। इस समय दौरान जहांगीर सख्त बीमार रहन लग पिया, उस नूं रात नूं नींद ना आवे अते उसकी छाती उत्ते सप्प ते शेर लिटण। जहांगीर की घरवाली बेगम नूरजहां साईं मियां मीर जी की बड़ी श्रद्धालु सी। उसने साईं मियां मीर जी को जाके बेनती की कि बादशाह जहांगीर की तंदुरुस्ती लई खुदा अगे दुआ करन। साईं मियां मीर जी जो कि गुरु घर के बड़े श्रद्धालु सन, उन्होंने बेगम नूरजहां नूं कहा कि बादशाह ने अल्लाह ताला दे नूर गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं ग्वालियर के किले के विच कैद किया होया है, इसलिए वह ठीक किवें रह सकता है। उसनू कहो कि वह गुरु साहिब जी नूं रिहा कर देवे तो वह ठीक हो जाएगा। जदों बेगम नूरजहां ने सारी गल आ के बादशाह जहांगीर नूं दसी तो वह भी एकदम डर गया, क्योंकि साईं मियां मीर जी का सारे बड़ा सतिकार करया करते सन ते उन्हां नूं बड़ी अजमत वाला खुदा का फकीर मानते सन। सो बादशाह जहांगीर ने तुरंत गुरु साहिब जी नूं रिहा करन दा हुक्म कर दिता। पर जदों गुरु साहिब जी नूं रिहा किया जाण लगा तो गुरु साहिब जी ने कहा कि वह किले तो बाहर तां ही आउणगे जेकर उन्हां दे नाल किले दे विच कैद सारे बेकसूर पहाड़ी राजा नूं भी रिहा किया जाएगा। जहांगीर ने चलाकी खेडदे हुए कहा कि जिन्हें राजे गुरु साहिब जी का चोला फड़ के बाहर आ जाएंगे उन्होंने रिहा कर दिया जाएगा। गुरु साहिब जी ने 52 कलियां वाला एक चोला संभाया जिसकी एक एक कली फड़ के सारे पहाड़ी राजे गुरु साहिब जी के नाल किले विचों बाहर आ गए। सो इस तरह गुरु साहिब जी जिथे आप किले विचों बाहर आए उत्थे सारे पहाड़ी राजा नूं भी रिहा करवा दिता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।